यो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम दोस्तों दोबारा से खेल रहे हैं GTA 5। एंड जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में दोस्तों यहाँ पर देख लिया था, मैंने इंडियन माफिया के लिए काम किया। मैंने उनको एक गलत चिप दे दी जो कि पैन ड्राइव वगैरह थी। लाइव इन्वेडर वालों को ऑफिस ब्लास्ट कर दिया। फाइनली हमें यहाँ पर दो चीज़ें मिल चुकी हैं, जो एक रक्त बीज जहाँ पर रखा गया है ना दोस्तों, उसको मतलब चोरी करने के लिए जो की वहाँ पर एंटर की बेसिकली दोस्तों ज़रूरत है, वो सब कुछ हमें मिल चुका है, ठीक है ना। प्लस दोस्तों यहाँ पर जो दूसरी चीज़ है, इस पूरे वर्ल्ड में किसी की भी लोकेशन वगैरह पता करने के लिए जो दूसरी चिप थी, वो भी हमें यहाँ पर जो है मिल चुकी है। फिलहाल जो यहाँ पर की है दोस्तों, उसको तो हमने अच्छे से एक्सेस वगैरह कर लिया है। तो फाइनली आज वो एपिसोड है जिसके अंदर मैं आज फाइनली दोस्तों रक्त बीज की चोरी करने वाला हूँ। जी हाँ गाइस, और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई रक्त बीज गलत हाथों में नहीं पहुँचना चाहिए, इसलिए मैं इंडियन माफिया से पहले उसको जो है चोरी कर लूँगा। तो फिलहाल अभी दोस्तों मैं एक बिल्डिंग पर मैं यहाँ पर जो है खड़ा था, और अभी दोस्तों मुझे यहाँ पर जो है लेस्टर के पास जाना है सबसे पहले। तो आए हाय, उसके अंदर लग गया यार। ये बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है। चलो गाड़ी चोरी करनी है, चल भाई आ जा यार, बाहर आ जा ले लेना, थोड़ी देर में ले लेना, अभी यहीं पर छोड़ कर जाऊंगा ब्रो। अब और क्या ही करता है यार मैं, गाड़ी चोरी करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था, ठीक है ना दोस्तों। लेस्टर को लेना है, क्योंकि लेस्टर ना यहाँ पर अमांडा और ट्रेसी के पास है। उत्तरी भाई कहाँ लगा रखा है, गलत जगह पर लगा रखा है इन्होंने, जो भी है यार ये। चलो फाइनली इधर से हम निकल गए, एंड जो सीधा रास्ता जाता है नाइस। सीधा पहुंच गए भाई हम यहाँ पर लेस्टर के पास दोस्तों, और लेस्टर के पास जाने के बाद लेस्टर ही बताएगा आगे क्या करना है, कैसे करना है, जो भी होगा सब कुछ आज जो है पता चलने वाला है। फाइनली आ गए हम, और तो और दोस्तों यहाँ पर जो आपको पता होगा, कल जब मैं उस काम के लिए दोस्तों यहाँ पर गया, तो मैंने जो प्रेसिडेंट की गाड़ी है दोस्तों वहीं पर जो है छोड़ दी थी, और वहाँ से जो गाड़ी गायब हो चुकी है, पुलिस ने उठा ली होगी या पुलिस को पता चल गया होगा कि प्रेसिडेंट की गाड़ी थी ये, वो चोरी हुई थी। तो बस पता तो खैर दोस्तों चलना ही था, और चल भी गया होगा। अब होनी को भी दोस्तों यहाँ पर कौन टाल सकता है, लेस्टर बेचारा अंदर होगा। चलो अंदर सबसे पहले यार उसको लेता हूँ, भेज नहीं सकते ना यार ट्रेसी को, समझा कर, ठीक है ना। वो अच्छा किया मैंने मना कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर ट्रेसी ना अपने किसी फ्रेंड है उसका, तो उससे मिलने जाने की बहुत कोशिश वगैरह कर रही थी, मैंने मना कर दिया, क्योंकि भाई इस टाइम माइकल की फैमिली के सब यहाँ पर दो दुश्मन वगैरह है। तो मैंने सोचा भाई छोड़, बेफजूल में बाहर जाएगी, कुछ हो आ गया हमारे जिम्मे हो जाएगा। तो हमने भेजी नहीं, हमने मना कर दिया मेंढक को भी कि वो ना भेजे यार। इस गाड़ी की मैं छत क्रॉस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये छत भी बंद नहीं हो रही इस गाड़ी की। हो गई। और दोस्तों मैंने इसलिए बंद किया ताकि कोई मतलब लेस्टर भी मेरे साथ बैठा है ना, और हम दो दो हैं, तो तुम्हें पता है जब हम दो दो को यहाँ पर कोई भी देखता है ना भाई लॉस सैंटोस में, तो भाई खटिया खड़ी करता है, इसीलिए हमें थोड़ा बचकर चलना पड़ेगा। चलो नाइस, आराम से अरे यार ये गाड़ी वाले भी ना यार दोस्तों, पता नहीं कैसे कैसे यार लॉस सैंटोस के अंदर, मेरी समझ में नहीं आता है। चलो यार अबे ज़्यादा दूर नहीं जाना है, मैं पास में ही जाना है, और ये अच्छी लोकेशन मिल गई मैं पुष्पा के बेस पर जाने की। तो इस काम को दोस्तों मैं अकेला ही अंजाम देने वाला हूँ, अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर होगा क्या।
सबसे पहले चलना है पुष्पा के पास। वहीं पर दोस्तों हर चीज़ की प्लानिंग होने वाली है, क्योंकि मार्टिन मद्राजो का बेटा भी अपने घर से आया नहीं है, वो भी आ रहा है। ट्रेवर उसके साथ ही है, वहाँ पर गया हो, क्योंकि मार्टिन मद्राजो की जो वाइफ है दोस्तों वो तो है नहीं घर पे, तो वो ले गया उसको अपने साथ, ठीक है ना। कुछ काम वगैरह से गए होंगे, कुछ खाने पीने, पुष्पा अकेला है वहाँ पर, तो अभी हम वहाँ पर जा रहे हैं, सब लोग आ जाएँ, उसके बाद जो है मिशन एक्टिवेट करेंगे, फिर देखते हैं दोस्तों ट्रेवर जाएगा। वैसे मैं ही जाने वाला हूँ, ट्रेवर को नहीं भेजूँगा मैं, ट्रेवर पे यार भरोसा नहीं है, पियक्कड़ आदमी कुछ उल्टा सीधी हरकत कर देगा और लेने के देने पड़ जाएंगे यार बेफालतू में। चलिए नाइस, हमें बस बेसिकली चाबी ये चाहिए, चाबी भी क्या एक सिक्योरिटी की टाइप है, पेनड्राइव टाइप है यार, उसकी ज़रूरत थी बस उसको अनलॉक करना। आई होप के पुष्पा ने अनलॉक कर दिया होगा उसको, तो यार चलो आ जाओ, गन अंदर रख ले लेस्टर, आ जा। पुष्पा कहाँ पर है? ऑलराइट, मेरे हिसाब से पुष्पा वॉशरूम वगैरह में होने वाला है। चलो कोई बात नहीं यार, एक बार ही ना सबको आने देते हैं दोस्तों। यहाँ पर मार्टिन मद्राजो का बेटा आ जाए, ट्रेवर आ जाए, पुष्पा आ जाए और लेस्टर आ जाए, सबके सब मिलकर एक मास्टर प्लान वगैरह बनाते हैं कि हमें इस प्लान को कैसे अंजाम देना है, ठीक है। क्योंकि आज के आज मुझे रक्त बीज को दोस्तों यहाँ पर चुराना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी के अभी ये काम ना हुआ ना तो इंडियन माफिया के हाथ लग जाएगा और वायरस ऐसा छोड़ देगा ना लॉस सैंटोस में, भाई लॉस सैंटोस की पब्लिक पागल हो जाएगी। अभी तो भाई ये मुझे ही थैंक यू करेंगे कि हाँ भाई तुमने हमारे लॉस सैंटोस को बचाया। खैर कोई बात नहीं, देखेंगे कि हमारा शुक्रिया अदा लॉस सैंटोस की पब्लिक करेगी भी या फिर नहीं करेगी, या फिर बस भाई ऐसे ही हम मेहनत कर रहे हैं इनके लिए, ठीक है ना। चलो यार आने दो लोगों को, उसके बाद देखा, समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ यहाँ पर जो है समझ चुका हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यार अब यहाँ की मेरी पूरी की पूरी इन सभी लोगों से जो है बातचीत हो चुकी है, पूरा का पूरा प्लान मुझे जो है दोस्तों यहाँ पर पता चल गया है। प्लान गाइस कुछ इस टाइप का है, मेरी बात सुनिए आप सभी लोग। सबसे पहले मुझे यहाँ से जाना है, मैं अकेला जाऊँगा, ठीक है ना। इन चारों में से कोई मेरे साथ नहीं आने वाला है, जो मेरे साथ आएंगे दोस्तों वो पहले से बंदे हायर कर रखे हैं, ठीक है ना, और वो वहाँ पर एस्केप करने के लिए एक हेलीकॉप्टर बाहर पहले से जो है ह्यूमन लैब के अंदर दो जाकर दोस्तों जो है रख देंगे और वो दूसरी लोकेशन पर जाकर मेरा इंतजार करेंगे। वहां पर मुझे हेलीकॉप्टर को उतारना है और बस उन लोगों को हेलीकॉप्टर जो है दे देना है, बस और कुछ भी यहां पर जो है नहीं करना है, ठीक है। और दोस्तों अब यहां पर होगा क्या, सबसे पहले मैं ह्यूमन लैब के अंदर जाऊंगा। जाने के बाद एक वहां का ना पीसी है, ठीक है, और उसके अंदर एक चिप लगी हुई है, ठीक है ना दोस्तों। उसके अंदर जैसे ही मैं एक पासकोड वगैरह डालना है, ठीक है, और जो पासकोड वगैरह होता है ना वो जो रक्त बीज को खोलने की जो की है उसके अंदर एक पासकोड है दोस्तों, और वो पासकोड मुझे उस पीसी के अंदर एंटर करके वो जो की है दोस्तों उसको निकाल लेना है, ठीक है। निकालने के बाद दोस्तों उसके बाद गार्ड वगैरह अगर वहाँ पर हुए सिक्योरिटी के लिए तो उनको मारना वरना पड़ेगा। और यहाँ पर मार्टिन मद्राजो के बेटे का ये भी कहना है कि वहाँ पर रक्त बीज के साथ साथ बहुत सारा पैसा होने वाला है, बहुत सारा, क्योंकि ह्यूमन लैब ने आज जितना भी उनका टोटल कैश है ना दोस्तों उसको निकाल रहे हैं, क्योंकि ये सरकार को जो है पता चल गया है कि कुछ लोग हैं गुंडे वगैरह जो कि लॉस सैंटोस में आ गए हैं, तो ह्यूमन लैब का जितना भी दूसरे यहाँ पर पैसा वैसा जो सरकार ने यहाँ पर रख रखा है वो भाई सारा का सारा निकलवा रही है यहाँ से। तो मार्टिन मद्राजो का बेटा ये कह रहा है कि अगर तुम वो कैश भी यहाँ पर चुरा लो तो हम सब की भाई लॉटरी लग जाएगी यहाँ पर, और इस प्लान को हम और अच्छे से फिर आगे जो है निभा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक फाइनेंशियली सपोर्ट भी हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पैसा भी चुरा लूँगा प्लस यहाँ पर रक्त बीज को भी चुरा लूँगा, और वहाँ पर बाहर हेलीकॉप्टर में मेरा वो जो वेट कर रहे होंगे। प्लस यहाँ पर एक ट्विस्ट है दोस्तों, जो वहाँ के वो है वो तो सब कुछ एक्सेस वगैरह हो जाएंगे, ठीक है ना, बट एक तिजोरी के अंदर जाने के बाद, क्योंकि तिजोरी तो जो रक्त भी जहाँ पर रखा है वो तिजोरी तो दोस्तों खुल जाएगी बाहर वालों से, बट अंदर एक और सिक्योरिटी लॉक है, उसके लिए मुझे यहाँ पर बॉम्ब लगाना पड़ेगा। बॉम्ब नहीं, बेसिकली एक तरीके का मेल्ट टाइप का होता है जो कि लॉक को जो है कट कर देता वहीं पर, तो उससे ही वो एक्सेस खुलेगा, उसके अलावा तो नहीं खुल सकता है। खैर चलो कोई बात नहीं, ऐसा तो हो जाएगा, बाहर जो मेन तिजोरी का है वो तो खुल जाना चाहिए ना। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा प्लान है, देखते हैं अब कैसे होता है कैसे नहीं है। तो अभी ये सारे के सारे लोग यहीं पर रहकर मेरे ऊपर नज़र वगैरह रखेंगे, मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे। चलिए सबसे पहले यार यहाँ पर मैं जो है अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लेता हूँ, आ जाओ दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों अपने कपड़े वगैरह चेंज, दोस्तों बी रेडी, डर के आगे जीत है, देखते हैं हम क्या होता है, ठीक है। खैर मैं दोस्तों पूरी तरीके से रेडी हूँ, मुझे यहाँ पर जो है दोस्तों निकलना होगा यहाँ से, चलो मिलता हूँ मैं। तो दोस्तों अब ये मेरे ऊपर जो है यहाँ से जो है प्रॉपर वे में जो है नज़र रखने वाला है, मैं निकलता हूँ दोस्तों ह्यूमन लैब के लिए यार।
आज फाइनली रक्त बीज हमारा होगा। ग्रीन कलर के इंजेक्शन टाइप है यार दोस्तों। अबे चल यार तुम्हारी ऐसी की तैसी। एक ये मैडम जी अब यहाँ पर खड़ी है। मैडम जी तुम यहाँ पर खड़ी होकर अंडे दे रही हो क्या? हाँ शिट यार। लॉस सैंटोस से मैं बिल्कुल सही टाइम पर निकला हूँ दोस्तों। तो तेरी होए ऐसी की तैसी भाई साहब। यार यहाँ के लोग बाग किस टाइप के हैं यार दोस्तों, देख रहे हो तुम? चलो नाइस, हम बिल्कुल सही टाइम पर जो है निकल गए हैं। हाँ वैसे लकी तो मेरे बेटे तू भी है। ह्यूमन लैब रिसर्च सेंटर, अच्छी बात तो ये है, मज़े की बात कि आज हर चीज़ का कांड होने ही वाला है। पैसे भी लूटूंगा, रक्त बीज को भी लेकर आऊँगा। और देखना दोस्तों तुम्हारा भाई इस काम को अंजाम देकर रहेगा चाहे अब कुछ भी हो जाए। अब बात फ्रैंकलिन की इज्जत पर है। जो है ह्यूमन लैब रिसर्च सेंटर पहुंच चुके हैं। एंड मैंने गाड़ी बहुत ज़्यादा दूर लगा दी थी क्योंकि ये रोड जो है खाली पड़ा है इस टाइम, और मैं नहीं चाहता यहाँ पर कोई भी गाड़ी वाड़ी ऐसी हलचल टाइप हो, समझ रहे हो ना तुम? ठीक है ह्यूमन लैब्स। It's gone. Nice. Cameras कहाँ लगे हुए हैं? Cameras का तो पता नहीं, खैर चलो। के बारे में घंटा किसी को पता नहीं चलने वाला। वैसे यहाँ पर कैमरा भी अगर लगा हुआ तो कोई दिक्कत की बात नहीं क्योंकि मैंने मास्क लगाया हुआ है ना। सबसे पहले भी मुझे अंदर पहुँचना होगा यार। यहाँ पुलिस का क्या काम? छोड़ो, सबसे पहले मुझे उस वाले गेट से अंदर पहुँचना है। चलो चलिए दोस्तों, हम इस वाली गेट से अंदर आ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर वो था लिफ्ट में मैं आ चुका हूँ। यूज़ द एलिवेटर। चलिए भाई, अब लेस्टर मेरे को यहाँ पर इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रहा है। सबसे पहले हमें लैपटॉप के पास जाना है। फाइनली प्लान के मुताबिक मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। ठीक है, तो लैपटॉप यहाँ थोड़ी ना है, ऊपर वाले पे है, मुझे ऐसा लग रहा है इस पे नहीं है। चलो या तो गाइस, जो मुझे यहाँ पर वो कोड दिया है, एक पेन ड्राइव के अंदर है, पेन ड्राइव लगाकर वो कोड वगैरह मेरे को डालना है और एकदम से दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा एक्सेस। तो मेरे ख्याल से यही है, चलो चलते हैं। मेरे हिसाब से यही होने वाला है फाइनली। ओके ये रहा, ये तेरी कुर्सी कैसी तैसी चिप लगा दी दोस्तों फटाफट। अब चलो स्टार्ट करता हूँ, निकाल लेता हूँ, बस हो गया, बस इतना सा काम था यार। अब यहाँ पर मैरी वैदर के बंदे होंगे, इनको पेल लाए, आ जाओ। इनकी तो ऐसी की तैसी कर दूँगा मैं। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तेरी ऐसी की तैसी। नाइस, कमी बंदे थे।
हेड वॉल्ट। अब रास्ता खुलेगा दोस्तों कोल्ड रूम की तरफ, ये कि शायद से इधर नहीं है, शायद से इधर है। हाँ दोस्तों ये है ना, ये जो अगर रक्त बीज की हमें चाबी यहाँ पर ना मिले ना, अंदर जाने का जो कोड होता है वो ना मिलता, जो कि प्रेसिडेंट की गाड़ी के अंदर था, अगर वो ना मिलता ना तो ये भाई तिजोरी कभी भी ना खुलती। ये तिजोरी खुलने की वजह से तो आया हूँ, देखो खुल जाएगी सेंसर से, मेरे हिसाब से खुल जानी चाहिए, खुल गई। ऑलराइट द वॉल्ट इज ओपनिंग फाइनली, वरना तो भाई अगर ये ना खुलती ना तो भाई यहाँ पर कुछ ना होता। चलो nice. इतने अंदर कोल्ड रूम में रखा गया है। तो भाई दोस्तों जो रक्त बीज है वो यहाँ पर अंदर है, ठीक है। अब मुझे ये वाला सिक्योरिटी पैच तो ऐसे नहीं खुलता है, तो इसको मुझे बर्न ही करना पड़ेगा यहाँ पर। चलो सामान तो मैं लेकर आया हूँ, ये लगा देता हूँ, हो जाएगा इससे बर्न अब। चलो ये देखो यहाँ पर बर्निंग दोस्तों स्टार्ट हो चुकी है, नाइस। और यहाँ पर कुछ कैश भी रखा है, तब तक मैं जल्दी से जो है पैसा उठा लेता हूँ। फटाफट रखता है भाई, चल जल्दी रख। इतने दोस्तों यहाँ पर ये खुल रहा है ना, इतने में ये पैसा लूट लेता हूँ। वैसे बहुत ज़्यादा पैसा है दोस्तों, अंदर ही रक्त बीज मिलने वाला है। चलो पैसा भी बहुत आ गया, डॉलर्स को ना पैक कर रखा है दोस्तों। फाइनली अभी तक ये नहीं खुला है, इसको खुलने में मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पर टाइम लगेगा, क्योंकि एकदम से चीज़ें नहीं होती है ना। अभी सिक्योरिटी को ये तोड़ रहा है, मुझे नहीं पता। ओ भाई साहब हो भी गया, क्या बात है, ना तो नहीं, बट खैर दोस्तों यहाँ पर ऊपर रखा गया था, यहाँ पर ऊपर, और बस तुम्हारे भाई ने निकाल लिया। तो दोस्तों ये रक्त बीज जो ये रहा, मैं कैसे दिखाऊँ, अरे रुक जाओ यार, कोई ऐसी गन हो जिसमें फ्लैश हो। वेट, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए दोस्तों। वेट अ वाइल, यही है दोस्तों, यही ग्रीन कलर के जो इंजेक्शन है ना एक स्पेशल बॉक्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं 9 है, 9 ये ग्रीन वाले हैं दोस्तों, ये रक्त बीज हैं। अब एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो दोस्तों इसको अपने बैग में डालता हूँ, उसके बाद जो है पूरा का पूरा अपने बैग में रख लिया है काफ़ी सेफली तरीके से। और जो ये कार्डबोर्ड वगैरह था ना दोस्तों, उसको यहाँ पर मैं असल में जा नहीं पा रहा था, तो मैंने उसको निकाल के ना यहाँ पर पीछे फेंक दिया। मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर डब्बे को यहाँ पर फेंक दिया, ठीक है ना। चलो रक्त बीज भी मिल चुका है, अब पैसा। अरे यार $1 million तो कम से कम मुझे यहाँ से लेकर जाने ही है दोस्तों। चल और अभी यहाँ पर लेस्टर, मुझे लेस्टर जो है कनेक्टेड है, उसने बताया कि वॉल्ट के पास ना पास ना एक ट्रक खड़ा है, तो उस ट्रक के अंदर भी पैसा जो है लोड हो रहा था, तो जाकर उस ट्रक के अंदर से भी पैसा निकाल ले, कुछ गार्ड वगैरह खड़े उनको मार और पैसा निकाल ले। मैंने कहा ठीक है चलो ऐसा कर लेता हूँ। थोड़ा पैसा इधर भी है जिधर रक्त बीज रखा था यहाँ पर। सॉरी जल्दी 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 यार, चलो नाइस। हाँ लोडिंग पे की तरफ है, लोडिंग पे जाऊँगा मैं इधर से।
शिट, गोली आई क्या? मुझे लगा कि पुलिस की गोली आई है कहीं से, कहीं ना कहीं से तो आ रही है यार, बट एग्जैक्टली समझ नहीं आ पा रहा है। चलिए दोस्तों चलते हैं लोडिंग पे, एंड उधर जाने का रास्ता है किधर से? इधर से भी हो सकता है शायद। ये पीसी डिस्ट्रॉय कर दूं क्या? पीसी भी डिस्ट्रॉय कर देता है, आधे ज्यादा सामान इनका, ताकि इंडियन माफिया के हाथ दोस्तों कुछ भी ना पाए। नाइस यार, मुझे ये नहीं पता है लोग मार किधर से रहे हैं भाई। फिर कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी फिलहाल। लोडिंग पे जाना है अभी हमें, इसके लिए एलिवेटर का यूज़ करना पड़ेगा आई थिंक सो। यूज़ द एलिवेटर, नाइस। शायद से दोस्तों यही रास्ता जाता है, अबे ये तो दूसरा ही रास्ता है भाई, ये है पानी वाला रास्ता। मैं तो खोस ही गया यार दोस्तों यहाँ अंदर, ये भी नहीं खुल पा रहा है, ये डेंजर है। ये वाला रास्ता भी नहीं है भाई, दूसरे फ्लोर पे है मेरे ख्याल से। लोडिंग पे अगर मुझे जाना है, मुझे बताऊँ कहाँ पर जाना है? यहाँ पर। तो सबसे पहले दोस्तों मैं हूँ यहाँ पर, मुझे यहाँ से यहाँ आना है, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ मारते हुए। चलिए इधर से जा सकते हैं, इसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है भाई। जी जाता है क्या? नहीं, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये रास्ता जाता है दोस्तों। यार ये लोग कहाँ से आए अंदर? तुम्हारी ऐसी की तैसी आ गए स्वात वालों, चमचो चमचा गिरी दिखाना आ भी गए इतनी जल्दी। अच्छा मुझे इधर से पहुंच सकता था दोस्तों मैं, बड़ी जल्द तेरी ऐसी की तैसी हुए। हट तेरी ऐसी की तैसी। लोडिंग पे, नाइस। अफसोस इनके कैमरा ये जो है ना, अरे रुक जाओ ना, किधर है और भी है क्या बंदे? यहाँ से नहीं जा सकते, यहाँ से जाएंगे। कोई लॉक लगा हुआ है ट्रक के अंदर, ये रहा ट्रक। चलो लॉक को कट करता हूँ दोस्तों, फाइनली। पर दोस्तों पैसा ही पैसा रखा है, इसको भर। बढ़िया,
इस वाले इधर वाले को भी कर भाई। बहुत पैसा उठा लिया दोस्तों हमने। चलो नाइस। अब दोस्तों हमें जाना है हेलीकॉप्टर पर अपने। नाइस चलो मेरा हेलीकॉप्टर जो है दोस्तों पीछे की तरफ है। बढ़िया मैं निकल तो गया यार यहाँ से। गया शूट 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 ये भी गया। ये भी गया। चल 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 जल्दी चल जल्दी चल जल्दी चल। ये खड़ा है हेलीकॉप्टर। चलो अच्छा क्या हेलीकॉप्टर थोड़ा मजबूत लाए। बढ़िया नाइस। चलिए दोस्तों अब पुलिस वाले से इनसे बचे बचे मैं निकल जाऊंगा कम से कम। ये मेरे ऊपर तक भाई उड़ाकर दिखा दो तुम तुम्हारी ऐसी की तैसी मेरे जितना ऊंचा। अब ये पुलिस वाले दोस्तों नीचे के नीचे ही रह जाएंगे भाई। राइट गोलियों पे गोली मारी जा रही है अपने हेलीकॉप्टर पे दोस्तों। क्योंकि अपने हेलीकॉप्टर की दोस्तों हाइट बढ़ते 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 बहुत हो रही है भाई। ये भी कुछ कम नहीं है। ये भी बहुत ऊपर तक आ रहे हैं यार। बहुत ज़्यादा ऊपर तक आ रहे हैं ये भी। मुझे जिस लोकेशन पर जाना है वो है दोस्तों आगे। नाइस भाई वो भी मेरे पीछे ही है पीछे। इनकी पहुंच से परे निकलना है मुझे जल्दी से। इनके रडार से दूर होना है। बट मैं एक तरीके से इनके रडार से दोस्तों दूर ही हूँ क्योंकि मुझे उतरना जहाँ पर है वो लोकेशन तो मेरे को दिख रही है बट मैं पुलिस के सामने नहीं उतर सकता ना यार वहाँ पर। पुलिस के हेलीकॉप्टर जो है दोस्तों नीचे ही नीचे हैं और वो कहीं ऊपर आ भी नहीं सकते मुझे पकड़ने के लिए यार। उन्हें लग रहा है पता नहीं किधर चला गया वो हेलीकॉप्टर। ऊपर ही उठ रहा है भाई। देख लिया इसने यार। देख लिया देख लिया देख लिया। कैसी तैसी शिट यार। गो टू द हाइड आउट। यार मुझे इनसे दूर ही निकलना होगा यार दोस्तों। मैं बहुत ऊपर हूँ यार। लिटरली बहुत ऊपर हूँ। मैं बादलों में हूँ यार दोस्तों। ये मुझे कहाँ तक ढूंढेंगे देखता हूँ मैं भी। वहाँ पर तो बोट आ जाएंगी पानी में। तुम्हारी ऐसी की तैसी तुम्हारे ही नहीं हाथ आऊँगा मैं। शिट यार मैं फिर रडार में आ गया। सामने भी हेलीकॉप्टर लगे ढूंढने वाला। अब नहीं होंगे दोस्तों जहां तक मुझे लग रहा है। मैं काफ़ी दूर आ गया इनकी पहुंच से।
जब तक ये पुलिस मेरा पीछा नहीं छोड़ देती है, मुझे ऐसे ही दूर दूर ही उड़ना पड़ेगा। फ्यूल तो है ना इसमें भाई, अच्छा वो इसमें फ्यूल है और भाई अच्छा खासा भारी भरकम हेलीकॉप्टर है। यार फिर मैं इनके रडार में आ गया, दूर हो गए इनके रडार से। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है पुलिस वाले नहीं ढूंढ पाएंगे यार। मैं बहुत तेज़ से उड़ रहा हूँ यार दोस्तों। यहाँ तो है नहीं कोई भी पुलिस वाला आसपास, अगर ध्यान से देखा जाए तो। नाइस, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चल 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 भाई, मैं चक्कर मार के दोबारा वहीं आ गया पूरा। और मैं बहुत ऊपर आ रहा हूँ दोस्तों, बहुत ऊपर आ चुका हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। वो तो अच्छा हो दोस्तों हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर, ये कुछ पावर वाला है, ठीक है ना। अब यार मुझे इनके बाद फाइनली मुझे लग रहा है कि मैं इनके रडार से जो है दूर हूँ, कोई पुलिस वाला मेरे को आसपास नहीं नज़र आ रहा है। अब जाने के लिए बिल्कुल सही वक्त है, चलो अब चलते हैं। भाई मैं थक गया यार, लड़ता 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 लड़ता। अब बहुत हाई स्पीड पर मैं जो जा रहा हूँ, चल 214 200 कुछ की स्पीड पर ये चल रहा है। मुझे इसकी हाइट जो है कम कर लेनी चाहिए। फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए, बहुत जल्दी पहुंचे यार हम। भाई मज़ा आ गया दोस्तों, चलो 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 नाइस। यहाँ पर मुझे दो लोग मिलने वाले हैं जिनको मैं हेलीकॉप्टर उनके हवाले करूँगा, ठीक है। अच्छा वो पुलिस की नज़रों से मैं दूर रहा, वरना तो हो जाता खतरनाक वाला कांड। तेरी मुझे लग रहा भाई पुलिस मेरे पीछे ना पड़ गई यहाँ पर, तो वैसे मेरी पुलिस है, कौन है ये पुलिस की गाड़ी में ही वो लोग? नहीं तो शेरिफ है आई थिंक सो, लगता तो दोस्तों मुझे वही राय है। चलिए ये दो बंदे मेरा यहाँ पर इंतजार कर रहे थे, फाइनली वी आर हियर, वी गॉट इट फ्रॉम हियर। चलो ले जाओ तुम। हाँ कुछ नहीं हुआ तुम्हारे हेलीकॉप्टर को, जाओ ले जाओ। मजा आ गया दोस्तों। तो गाइज आई होप कि आज की वीडियो यहाँ पर आपको अच्छी लगी, कि फाइनली हमने रक्त बीज भी चोरी कर लिया, 1,002,81,627 भी यहाँ पर हमने जो दोस्तों चोरी कर लिए। तो मज़ा आया आज के वीडियो में, आया होगा तो प्लीज़ कर दो वीडियो को लाइक, कर दो चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे लेटेस्ट और ब्रांड वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों, खुश रहिए, बाय।